तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। और क्या हाल है, सभी लोग बढ़िया? बात करेंगे भाई साहब, इस बार इंडियन सिनेमा में किसका दंगा रचने वाला है। खैर, साल की शुरुआत से ही मैं ये चीज लगातार बोल रहा हूँ कि इंडियन सिनेमा में इस बार साउथ इंडस्ट्री का ही डंका बजने वाला है, जिसमें से दो चोट बहुत बुरी तरीके से फटेंगी। जो कल की 2898 ये मूवी जो हमें पहले मिल जाएगी प्रभास अन्ना की, देन उसके बाद पुष्पा द रूल अल्लू अर्जुन की। भाई इन दोनों मूवी में घमासान युद्ध चलने वाला है। खैर क्लैश नहीं हो रहा है ये मत सोच लेना, लेकिन जब ये मूवी आएंगी भाई कंपैरिजन ऑटोमेटिकली सेट करे जाएंगे कि कौन सी मूवी ज़्यादा कमाई करेगी, कौन सी मूवी ज़्यादा कमाई नहीं करेगी। लेकिन भाई आज 5:04 के बाद पुष्पा 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 यही होने वाला है माने, क्योंकि भाई पुष्पा द रूल का फर्स्ट सिंगल आउट होने वाला है और जो लुक देखने को मिल रहा है वो डेडलीएस्ट है। अभी तक जितने भी लुक रिवील आउट हुए हैं अल्लू अर्जुन के, वो इनमें से एक फाइन दमदार निकल के आ रहा है। और भाई वेट है यार इस मूवी के लिए, लिटरली वेट है। बाकी अगर मैं अपना पर्सनली बताऊं तो इन दोनों मूवीज में से बहुत ज़्यादा वेट किसके लिए है भाई, पुष्पा द रूल के लिए है बहुत ज़्यादा, लिटरली इसके लिए वेट है। क्योंकि अल्लू अर्जुन जब भी घुसता है कैरेक्टर में दमदार घुसता है। हालांकि इस मूवी को जब पुष्पा फर्स्ट पार्ट आई थी इतना ज़्यादा भाव नहीं मिला था साउथ इंडस्ट्री में, लेकिन जैसे ही इसने हिंदी इंडस्ट्री में कदम बढ़ाया था भाई सफलता की दीवारें ये मूवी पहले ही फांकते हुए चली गई थी। और पुष्पा टू द रूल जिसके लिए कोई लिमिट ही नहीं बताई जा रही है भाई साहब, 2000 करोड़ बहुत बहुत छोटा नंबर देखने को मिल रहा है। खैर सिंगल के लिए कौन वेट कर रहा है, यानी फर्स्ट सिंगल के लिए कौन कौन वेट कर रहा है, जिसका लिरिकल शायद पहले ही आ चुका है एंड प्रोमो भी बहुत दमदार आया है भाई, वो टाइटल थीम कहो या फिर जो स्टार्टिंग का कोरस ही कह लो, पुष्पा 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 पुष्पा, यही दमदार लग रहा है, यही हिट करके जा रहा है। बाकी भाई कल की 2898 की बात करें तो भैरवा का लुक कल को रिवील आउट करा गया है। आईपीएल का कुछ वो, मैं ज़्यादा आईपीएल देखता नहीं हूँ, तो दोनों जो मैं टीम होने वाली है मुंबई इंडियन एंड केकेआर, उनके बीच शायद 3 मई को मैच है एंड फिनाले है, ग्रैंड फिनाले है, क्या है आई डोंट नो। तो वहाँ पर भाई साहब भैरवा यानी अपने प्रभास भाई साहब आए थे, जिनकी एक्टिंग उतनी प्रॉमिसिंग नहीं लगी जिस हिसाब की मूवी के बारे में ये बात चल रही है। एंड हिंदी डबिंग की बात करूं तो भाई हिंदी डबिंग में भी वो फील नहीं आ रहा है, क्योंकि सीरियसनेस नहीं देखने को मिल रही है। बाकी इस मूवी के लिए अगर मैं लिटरली बताऊं कल की 2898 के लिए पर्सनली, भाई प्रभास अन्ना के फैन जो भी हैं बुरा लगेगा आपको, फिलहाल मैं हेट नहीं करता हूं किसी को भी एंड मैं भी वेट कर रहा हूं इस मूवी के लिए। लेकिन वाकई में इस मूवी का बेस्ट ऑफ द पास्ट, बेस्ट ऑफ द बेस्ट पार्ट ये होने वाला है कि जो हिंदू कल्चर की जो कल्कि का अवतार के बारे में 10th अवतार जो भविष्यवाणी करी गई है भाई, लिटरली मैं उसके लिए वेट कर रहा हूँ। क्योंकि नागस्वीन वो कॉन्फिडेंस उनमें देखने को मिल रहा है, वो डेडिकेशन वो मेहनत नागस्वीन डायरेक्टर में देखने को मिल रही है कि जो वो हिंदू कल्चर से ये सारी चीज़ें जो उठाएंगे वो ऐसा ना हो कि आदि पुरुष जैसा निकल जाए। खैर आदि पुरुष को काउंट करेंगे नहीं, वो तो रद्दी से महारद्दी मूवी थी जिसपे बहुत कुछ जबरदस्ती का एक्सपेरिमेंट कराया गया था, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस मूवी में बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट नहीं होंगे। फिलहाल अश्वत्थामा का जो छोटा सा ग्लिम्स ही भाई, मैं बार बार इस अश्वत्थामा ग्लिम्स की बहुत तारीफ कर चुका हूं पहले ही, इसके बारे में और भी देखना हो तो बहुत सी वीडियोस पहले भी आ चुकी हैं इससे रिलेटेड। बाकी सही में भाई अश्वत्थामा को डेडिकेट करके जो दिखाया गया है वो औसम था। बाकी वेट है कि भैरवा से रिलेटेड यानी अपना जो मेन कैरेक्टर है इससे रिलेटेड कोई डेडिकेटेड वीडियो आ जाए अलग से, जैसे अश्वत्थामा के लिए इन्होंने निकाली है ग्लिम्स वगैरह, वैसा ही कुछ निकाल दे तो बढ़िया है। बाकी भाई साहब खबरें, अफवाहें, र्यूमर्स और फेक न्यूज़ बहुत फैल रही हैं कि जो अपनी कल की 2898 ये मूवी होने वाली है वो रीमेक होने वाली है हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी ड्यून मूवी की कॉपी। यही बता देता हूँ फिलहाल, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले ही निकाल चुका हूँ जिसपे अभी तक कोई भी ढंग से वीडियो व्यूज नहीं आया है, सपोर्ट की बहुत कमी देखने को मिल रही है। बाबा अगर आप रेगुलर हैं तो सपोर्ट बनाओ, जरूर बनाओ, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मैं ऐसे देता रहूँगा, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है इन सभी के बारे में ऐसी बातें होती रहेंगी। तो फिलहाल अगर मैं बताऊँ तो भाई ड्यून मूवी की कोई भी कॉपी नहीं है, क्योंकि ड्यून जो है वो फॉलो करती है इस्लामिक कल्चर को एंड अपनी जो कल की 2898 ये मूवी है ये फॉलो करती है हिंदू माइथोलॉजी कल्चर को, तो कॉपी बिल्कुल भी नहीं है ये मूवी। बाकी यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आया है, तो भाई सपोर्ट की बिल्कुल भी कमी मत करो। अगर यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, बहुत उम्मीदें वगैरह जुड़ी रहती है भाई साहब। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही, जय हिंद। हाँ बाकी इन दोनों मूवी में से कौन किसके लिए कितना ज़्यादा वेट कर रहा है, कल की 2898 के लिए या फिर पुष्पा द रूल के लिए या फिर दोनों मूवीज के लिए, भाई मैं अपना बताऊँ दोनों मूवी के लिए वेट कर रहा हूँ और दोनों मूवीज़ को देखने के लिए बहुत 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 एक्साइटेड हूँ।